हेलो फ्रेंड्स, विनोद दिस साइड फ्रॉम स्टेट ड्राइव। दोस्तों, आज हम जिस प्रोजेक्ट में आपको लेके आए हैं, ये प्रोजेक्ट बेसिकली एक प्लॉटिंग प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपका रेजिडेंशियल्स, कमर्शियल, बूथ्स सब आएंगे। और इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ये प्रोजेक्ट बेसिकली 11 एकड़ का प्रोजेक्ट है। अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, ऑब्वियसली बात है, ये थोड़ा सा प्री लॉन्चिंग स्टेज है, काम यहाँ पे चल रहा है। आप मेरे सामने देखें, ये आपका कंस्ट्रक्शन शुरू हो रखा है, जेसीबी खड़ी है, ट्रक खड़ा है, सड़कें बन गई हैं। तो इस प्रोजेक्ट में आपको मैं जो मेन बातें बताता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा कंसर्न है कि जो भी प्रोजेक्ट में शूट करता हूँ, जो भी प्रोजेक्ट में आपके लिए लेके आता हूँ, वो मैं इस तरह से उस प्रोजेक्ट को वेरीफाई करता हूँ कि वो प्रोजेक्ट जैसे कि मैंने ही उस प्रोजेक्ट में अपना कोई प्लॉट लेना है। तो दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट जैसे मैंने बताया, एक एफोर्डेबल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, रेजिडेंशियल प्लॉटिंग प्रोजेक्ट है, जो कि स्टेट ड्राइव आपके लिए लेके आया है। इसके अंदर बड़ी जो मेन बातें हैं वो ये है कि यहाँ पे आपके प्लॉट्स आ रहे हैं जो 101 गज से लेके 163 गज के प्लॉट हैं। अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ तो 23x101 गज की जो डायमेंशन रहेगी वो रहेगी 23x39.10, और 163 गज की जो रहेगी वो रहेगी आपकी 25.5x57.9। तो इस प्रोजेक्ट में जो मैं आपको बातें बता रहा था कि जैसे ये मैंने आपको प्लॉटिंग साइज़ बता दिया। देखो, एक चीज़ और भी होती है कि मेरा जो मानना है कि कई बार इन्वेस्टर जो होते हैं ना, वो दो तरह के क्लाइंट होते हैं जो कि मार्केट में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। एक होता है एंड यूज़र और एक होता है आपका इन्वेस्टर। जब एंड यूज़र होता है, वो जब कोई प्लॉट लेता है तो उसे बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, बहुत चीज़ें उसको सोच के देख के लेनी चाहिए कि सबसे पहले क्या होता है कि जब आप कोई प्लॉटिंग प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये रहता है कि क्या वो प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है। रेरा अप्रूव्ड का मतलब क्या रहता है कि जो भी कंप्लाइंसेज है, लाइक जैसे आप ये लगा लें कि जैसे आपका जो CLU है, क्योंकि नॉर्मली प्रोसेस क्या होता है कि जब भी आप कोई एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं, बिल्डर हमेशा पहले एग्रीकल्चर लैंड लेता है। एग्रीकल्चर लैंड लेने के बाद वो क्या करता है, उसका CLU बनाता है, मतलब उस प्लॉट का जो करंट स्टेटस है एग्रीकल्चर से, वो उसको रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करता है। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट का CLU नहीं आया हुआ है, बिलीव मी, आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते, बिल्डर वहाँ कुछ नहीं कर सकता। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा अपने कस्टमर्स को वही प्लॉट देता हूँ, या वही प्रोजेक्ट हम लेके आते हैं आपके लिए, स्टेट ड्राइव लेके आता है, जो कि रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हो। रेरा अप्रूव्ड में क्या होता है कि काफ़ी जो चीज़ें रहती हैं, जैसे टाइटल हो गया, या आपका प्लॉट टाइटल हो गया, CLU हो गया, वो सारा ऑलरेडी वेरीफाइड रहता है। तो दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है, ये रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। मतलब यहाँ पे आप अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो एंड यूज़र हमेशा ये चाहता है कि जहाँ पे मैं पैसा इन्वेस्ट करूँ, वहाँ सड़कें बनी होनी चाहिए, कोई किसी तरह के कोई भी प्रॉब्लम ना उस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोजेक्ट ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपके प्लॉट साइज़ आ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया, 101 गज से लेके टेंटेटिव 163 गज के प्लॉट हैं। G+2 के यहाँ फ्लैट्स आएंगे, जो 2BHK 3BHK आएंगे, वो सामने आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन चल रही है। अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पे। तो यहाँ पे फ्लैट्स आएंगे G+2 के, आपके 2BHK 3BHK, प्लस यहाँ पे STP प्लांट इस प्रोजेक्ट के अंदर है। क्योंकि पता है क्या होता है, कई बार लोग क्या कहते हैं, सस्ता दे दो सर, सस्ता दे दो, सस्ता, लेकिन सस्ते के पीछे वो बहुत चीज़ें ऐसी मिस कर जाते हैं जो उनको आने वाले टाइम में दिक्कत क्रिएट करती है। सड़कों को ले आप देखो, कई ऐसी कॉलोनियाँ होती हैं जहाँ पे आपको बहुत सस्ता रेट मिलता है, लेकिन पूरी लाइफ के लिए आप उस प्रोजेक्ट में कई बार फंस जाते हो। तो यहाँ पे रही बात स्ट्रक्चर की, मेंटेनेंस की, तो मेन जो चीज़ें रहती हैं प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर, वो रहता है कि बिजली, पानी और आपका सीवरेज। सो दोस्तों, जो प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड रहता है, उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या रहता है कि आपका वो ऑलरेडी वो एसटीपी प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसको वहाँ लगाना पड़ता है, उसको पानी की प्रॉपर सप्लाई, पानी का प्रॉपर अरेंजमेंट करके देना पड़ता है पूरी टाउनशिप में, वो उससे बच नहीं सकता। तो इसलिए जहाँ ये देखें, आपको मैं टंकी दिखाता हूँ, ये सामने टंकी जो है, ये 500,000 लीटर की टंकी है, और इस टंकी को इसलिए बनाया गया कि कल को MC की प्रॉब्लम की वजह से पानी नहीं आता है,
तो बिल्डर आपको टेंटेटिव कुछ टाइम के लिए जो 2 या 3 दिन के लिए पूरी टाउनशिप में पानी की सप्लाई में प्रॉब्लम नहीं आने देगा। तो इसलिए एसटीपी प्लांट मैंने आपको बताया, तो इससे आपकी सीवरेज की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। सेकंड हम बात करें वाटर सप्लाई की, यहाँ सारा पानी आपको एमसी के अंदर आएगा, रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है, तो पानी बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी है और पानी है वो आपको एमसी के थ्रू मिलेगी। इसलिए आपका वो झंझट भी ख़त्म हो जाता है लाइफ के लिए कि कल को सीवरेज ख़राब होगा क्या होगा, बिजली कहाँ से आएगी, पानी नहीं आया क्या है, तो वो सारे ही प्रॉब्लम्स आपको शॉर्ट आउट करके देता है अगर वो प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है। आप देखें क्योंकि CLU वगैरह रेरा के अंदर सब आया होता है, इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये कोई विलास बना रहे हैं, बिल्डर ही विला बना रहा है, जो विला बना के बेचेगा। सामने आपके सड़कें वगैरह बन रही हैं, ये आपका पार्क है जो आधे एकड़ का पार्क है, और इसमें आपने देखा होगा कि इसमें जो है ये जो है आपका इन्होंने पूरा वो बना रखा है, वॉकिंग ट्रैक है, सामने पेड़ लगाएंगे। ऑब्वियस बात है प्री लॉन्च में प्रोजेक्ट है, धीरे धीरे करके डेवलप होगा। ये आप आज जो मेरा विजुअल देख रहे हैं, जो वीडियोस आप देख रहे हैं, क्लिप ये देख रहे हैं, इसमें और 6 महीने बाद यहाँ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, आपके रोड रोलर खड़े हैं, जैसी भी खड़ी है आपकी, ऑलरेडी इसमें सड़कों के लिए मिट्टी डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये धीरे धीरे करके प्रोजेक्ट अपने एक लेवल पे जाएगा। थर्ड पॉइंट होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मैंने आपको बताया कि MC आपको देगा, प्लस यहाँ सारी वायरिंग अगर आप देखें, सारी वायरिंग आपकी अंडरग्राउंड रहेगी, कोई भी वायरिंग आपको ऊपर से नहीं मिलेगी। रही बात चौथी जो रहते हैं कि अग्निहोत्री, अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे एप्रिसिएशन क्या मिलेगा? एप्रिसिएशन का क्या होता है कि ऑब्वियस बात है नेशनल हाईवे पे प्रोजेक्ट है या आपका ऐसी जगह प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको एप्रिसिएशन अच्छी मिल सकती है, तो इस प्रोजेक्ट में एप्रिसिएशन इसलिए मिलेगी क्योंकि प्रॉपर एम्यूनिटीज़ के साथ प्रोजेक्ट है, सब वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ इसके अंदर है, और ऑलरेडी काफ़ी प्लॉट हमारे इस प्रोजेक्ट में सेल हो चुके हैं, तो इसलिए एप्रिसिएशन भी आपको इस प्रोजेक्ट में अच्छा मिलता है। दोस्तों पहले मैं रेट डिस्क्लोज नहीं करता था, बट कई कस्टमर्स ये कहते हैं कि सर आप रेट क्यों नहीं बताते प्रोजेक्ट का। वो रेट बताने का मतलब ये होता है कि आप, क्योंकि आज ये प्रोजेक्ट का जो रेट होगा ऑब्वियस ये बात है 6 महीने साल बाद इसका रेट बढ़ जाता है, तो अगर साल बाद कोई कस्टमर हमारा वीडियो देख रहा है तो वो ये कहता है कि सर आपने तो ये रेट बताया था। सो दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस प्रोजेक्ट का वो है इसके रेट, और इसका रेट आप सुन के हैरान रहेंगे। यहाँ पे आपको प्लॉट जो मिलने वाला है, जो उसका जो पर स्क्वायर फीट रेट है, ये आपको मिलेगा 14,990 में आपको पर गज के रेट पे 101 गज से लेकर 163 गज के प्लॉट मिलेंगे। प्लस अंदर ही इसका कमर्शियल मार्केट रहेगी, बूथ मार्केट है, जो बेशॉप बना के दे रहे हैं, जिसका साइज 12x33 है, जिसका साइज 12x33 है, जो कि लाइन से बेशॉप्स आएंगे। कमर्शियल्स भी हमारे पास पड़े हुए हैं जो बाहर हैं। सो दोस्तों इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप सेफली इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने इसकी ऑलमोस्ट सारी डॉक्यूमेंटेशन गो थ्रू की हुई है, रेरा अप्रूव्ड है, तो डेफिनेटली कोई इशू का मतलब रहता नहीं है, बैंक लोन आपको इजीली हो जाता है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंटेशन बिल्डर्स के जो भी CL जो भी सर्टिफिकेशन होती है, जो भी इनके सर्टिफिकेट होते हैं, ऑलरेडी रेरा के पास सबमिट होते हैं। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 14,999 ये प्री लॉन्च ऑफर कह सकते हो, ऑब्वियसली बात है 6 महीने साल बाद आपको इसके रेट बढ़े हुए मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कोई भी क्वेरी होती है आप इसमें पूछ सकते हैं, सिर्फ रेट से रिलेटेड नहीं है, आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछना है आप बेफिक्र होकर पूछिए। मैं इट्स माय ऑनर कि मैं आपके उन क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, और आपको आई होप कि आपको वो आंसर सेटिस्फेक्शन देंगे। तो मैंने आपको सारा प्रोजेक्ट ब्रीफ कर दिया, और ये प्रोजेक्ट बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, कुराली हाईवे पे ये प्रोजेक्ट पड़ता है, चंडीगढ़ कुराली हाईवे पे ये प्रोजेक्ट है, और आप काम देखें कितनी जल्दी से चल रहा है, वो जहाँ से आप बाउंड्री वॉल देख रहे हैं चारों तरफ से ही बाउंड्री वॉल हो रखी है, वो एंड पे बाउंड्री वॉल जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ वहाँ ये प्रोजेक्ट है। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कोई भी क्वेरी है कुछ भी है, अगर आपको रेट का नहीं पता लगता तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करते हैं, डेफिनेटली आपको रेट का डिस्क्रिप्शन, हमारे रेट्स होते हैं। बाकी मैं बार बार ये कहूँगा कि रेट जो है वो आज जो मैंने आपको रेट बताया, हो सकता है ये टाइम टू टाइम सिचुएशन डिमांड, मार्केट डिमांड के हिसाब से चेंज भी हो सकते हैं,
तो आप इस पे कंस्ट्रेंट ना रहें कि सर आपने इतना रेट बताया, बट एक अच्छा प्रोजेक्ट है, चंडीगढ़ के पास प्रोजेक्ट है, मोहाली चंडीगढ़ के पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, 14,999 में प्लॉटिंग आपको यहाँ मिल रही है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करें। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन को करें, और प्लीज़ बहुत लोग ऐसे हैं जो एफोर्डेबल ढूंढ रहे हैं, एफोर्डेबल का मतलब ये नहीं होता कि 32-33-35 हज़ार रुपये का, एफोर्डेबल का मतलब यही होता है 14-15-16-17 इस रेंज के 18 तक के जो प्रोजेक्ट है मैं उनको एफोर्डेबल में मानता हूँ। तो जिनको आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो जो आपके फ्रेंड सर्कल में उनको शेयर ज़रूर करें, हो सकता है कि वो ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हो लेकिन उनको मिल ना रही हो, तो इसलिए आप इसको लाइक करें, शेयर करें। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारी वेबसाइट है www.statedriveco.in, आप वहाँ पे जाके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले नए प्रोजेक्ट में, नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, जय हिंद।